गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 7 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 17 विच इज़ फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन. सो अब तक हमने देखा कि फॉरेस्ट कैसा होता है, जो डीप जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं एंड सो ऑन. सो वी आर एट एक्टिविटी 17.1. ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल्स विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. आपको क्या करना है, आपको अपने घर में ऑब्जर्व करना है कि जहाँ जो जो मटीरियल आपको ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और ऐसी लिखनी है अपनी लिस्ट में, जो चीज़ें आपको लगता है जिसका मटीरियल जो है रॉ मटीरियल वो आपको फॉरेस्ट से लिया गया है. ठीक है, यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर्स, मैचस्टिक एंड फर्नीचर. काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो वुडन से बनी हुई होंगी, लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें, जैसे आपका जो फर्नीचर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं डेकोरेशन के लिए जो आप यूज़ करते हैं, वो हो गया. आपके कई लोगों के वुडन के फ्लोर्स होते हैं, सीलिंग्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं. एक्चुअली उसका रॉ मटेरियल क्या है, वुड है. Do you know that gum, oil, spices, fodder for animals and medicinal plants are also from some of the products which we get from the forest? ये सारे products, जैसे आपके घर में मसाले हो गए, gum हो गया, या oils वगैरह जो भी आप use करते हैं हमारे जानवरों के लिए जो चारा होता है fodder, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, forest से मिलता है. Based on the product that we get from plants, Try to fix table 17.1. Fill table 17.1. One example of each plant is already given. Fix the table, fill the table by adding more examples. काफ़ी सारे examples जैसे आप देख रहे हैं, ये जो table है इसमें कुछ fill करे हुए हैं, जैसे बबूल हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, सैंडलवुड, तो ये सारी चीज़ें mention की हुई है, तो आप इनमें और फिल करेंगे जो कि आप अपने घर में मटेरियल देख रहे हैं उससे. शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज. शीला को लगा कि ये प्लांट्स किसने उगाए हैं, उसने किसने इनको प्लांट किया है. प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्री प्रोड्यूस इनफ सीड्स द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीड्स एंड सिप्लिंग्स. तो जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो खुद इतने केपेबल होते हैं कि वो उनकी जो सीड्स होती है वो नीचे एक प्लांट पे सीड आई, वो सीड नीचे गिर गई, तो नीचे की जो ज़मीन है फॉरेस्ट की वो उतनी फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड कर रही है सीड को कि वो डेवलप हो जाए सीडलिंग में या सैपलिंग्स में. सम ग्रो अप इनटू ट्रीज. He added that branchy plants of a tree above the stem is known as crown of the forest. अब आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ आपको, आप अगर आप फॉरेस्ट को ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्लांट, जो पेड़ है, जो ट्री है, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, मतलब उसकी ब्रांचेस में भी जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्राउन कहलाता है, क्योंकि वो क्या कैसा लगता है कि एक पूरी बॉडी के ऊपर एक क्राउन टाइप रखा हुआ हो, इसी तरीके से लगता है, इस वजह से उसको बोलते हैं क्राउन ऑफ द ट्री. Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. अब ये चीज़ आप, जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि जो ट्रीज होते हैं तो वो इतने ज़्यादा घने होते हैं कि नीचे जो फ्लोर पे ट्रीज हैं, जो छोटे ट्रीज हैं, उन तक लाइट नहीं आ पाती. दैट मीन्स वो उसको पूरा कवर करके रखते हैं, और हम जैसे घर में रहते हैं तो हमें कौन कवर करके रखता है, हमारी छत. तो जो बड़े प्लांट्स हुए वो छोटे प्लांट्स के लिए क्या कहलाते हैं, रूफ ही कहलाएंगे, छत ही कहलाएंगे. ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड कैनोपी. कैनोपी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बड़े ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज हैं, वो शॉर्ट ट्रीज के लिए क्या, किसका काम करते हैं, एक रूफ का काम करते हैं, छत का काम करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कैनोपी. सो वी आर एट एक्टिविटी 17.2. Visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the trees and try to identify them. अपने आसपास कोई फॉरेस्ट हो, कोई पार्क हो, तो आप वहाँ जाएँ, ऑब्जर्व करें वहाँ के ट्रीज को, प्लांट्स को. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज. अब बहुत सारे
सोर्सेज अब जो मतलब बुक्स यूज़ कर सकते हैं, पर अब सोर्सेज ये है कि आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए. लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज द हाइट, शेप ऑफ द लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज. क्या करना है आपको, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ट्री के वो आपको मेंशन करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, जैसे उसकी हाइट, शेप, लीव्स, क्राउन, फ्लावर, फ्रूट्स. और भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि उसमें डिफरेंट है तो आप उसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज. सो यू नाउ यू हैव टू ड्रॉ सम क्राउन्स ऑफ अ ट्री. प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैज क्राउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं उसकी जो क्राउन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं. दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट. इन्होंने क्या करा, हॉरिजॉन्टल कई ऐसी हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप की, हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स ये होता है, वर्टिकल ये होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल कई सारी ऐसी लेयर्स क्राउन ने बना दी है फॉरेस्ट के अंदर. दीज आर नोन एज अंडरस्टोयस. क्या कहलाते हैं, अंडरस्टोयस कहलाते हैं. जाइंट एंड टॉल ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट द टॉप लेयर फॉर्म्ड बाय शर्ब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म्ड बाय द लोएस्ट ट्री. जो जाइंट ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, टॉप लेयर में. जो टॉप लेयर बनाता है उसको जाइंट ट्रीज मतलब कवर, फर्स्ट जो लेयर होती है वो जाइंट ट्रीज की होती है, फिर शर्ब्स, हर्ब्स, टॉल ट्रीज, हर्ब्स, और सबसे ज़्यादा ऐसे जो नीचे हर्ब्स वगैरह होते हैं वो नीचे आ जाते हैं लोएस्ट लेयर में. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अभी तक पता चल गया कि कैनोपी क्या होती है, ठीक है, क्राउन क्या होता है, फिर लेयर्स कैसे बनती है, फिर आपको पता चल गया कि अंडरस्टोरी क्या होता है, एंड सो ऑन. वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट. क्या आप सेम टाइप के ही ट्रीज हर फॉरेस्ट में देखते हैं, बूजो ने इंटरेस्टिंगली पूछा. प्रोफेसर अहमद सेड नो, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. बूजो ने इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट लेके सरप्राइज होके ये चीज़ पूछी कि एक ही टाइप के ट्रीज होते हैं क्या हर फॉरेस्ट में. तो बूजो ने पूछा, पर अहमद सर बोले, प्रोफेसर अहमद बोले, नहीं नहीं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग ट्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अडेप्टेशंस. अडेप्टेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने ये लास्ट एट्थ या नाइन्थ चैप्टर में डिस्कस किया था. व्हाट आर अडेप्टेशंस. अडेप्टेशन ये कोई भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में एडजस्ट होने के लिए अपने आप अपनी बॉडी की या अपनी आसपास की या खुद की कंडीशंस को एडजस्ट करने के लिए जो चीज़ें अडप्ट करते हैं, जो चीज़ें अपने अंदर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, वही क्या कहलाती हैं, अडप्टेशंस. और हम अडप्ट करके क्या करते हैं, किसी भी एक हैबिटेट में अपना घर बना लेते हैं. सो दोज अडप्टेशन अडप्ट्स आर कॉल्ड देयर होम्स एंड अडप्टेशन आर द एडजस्टमेंट इन दीज कंडीशंस. सो द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट डिफरेंट. देर आर सो मैनी ट्रीज, सो मैनी एनिमल्स इन डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट. ओके, अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज फ्लटनिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर ऑफ शर्ब्स एंड हर्ब्स. तो जो कुछ बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बिजी थे किस चीज़ में. हम भी कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आसपास की कंडीशंस, आसपास के एनिमल्स प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं. वैसे ही बच्चे क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज इधर उधर जब फ्लटर कर रही थी तो उन्हें देख रहे थे, शर्ब्स हर्ब्स को ऑब्जर्व कर रहे थे. सो इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू स्टूडेंट्स, एंड टिल देन आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. डू इट इन योर कॉपी. And have a nice day, sir. Students, take care. Thank you.